सुप्रीम कोर्ट ने दार्जिलिंग के गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता बिमल गुरंग की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष बिमल गुरुंग के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, यानी कि उन्हें वेस्ट बंगाल पुलिस अब अरेस्ट कर सकती है। बिमल गुरुंग ने एक याचिका दायर की थी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते वेस्ट बंगाल की पुलिस जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस केस का पूरा निपटारा नहीं हो जाता। दरअसल 50 से ज़्यादा केसेज हैं बिमल गुरुंग के खिलाफ, जो एक अलग गोरखा लैंड की मांग रख रहे हैं दार्जिलिंग इलाके में। उस क्षेत्र में वेस्ट बंगाल पुलिस का कहना है कि उन्होंने काफ़ी वहां पर गतिविधियों में भाग लिया है, जिससे वहां हिंसा भड़की है। दो बॉम्ब ब्लास्ट भी जो हैं उनमें उनका हाथ है, और उनके खिलाफ करीबन 50 ऐसे केसेस बनाए गए हैं वेस्ट बंगाल पुलिस के द्वारा। तो वेस्ट बंगाल पुलिस चाह रही है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन क्योंकि पिछले साल नवंबर से सुप्रीम कोर्ट की रोक थी, अब उस रोक को हटा लिया गया है। दरअसल बिमल गुरुंग जो हैं उनकी मांग को लेते हुए वेस्ट बंगाल सरकार ने कहा था कि हिंसा हो रही थी दार्जिलिंग में, और इसके लिए आर्मी की ज़रूरत भी थी, पैरामिलिट्री फोर्सेज की ज़रूरत भी थी, और 104 दिन तक वहां बंद रहा पूरा दार्जिलिंग, जो पिछले सितंबर को ख़त्म हुआ था। इसके बाद वेस्ट बंगाल पुलिस का कहना है कि अगर शांति लाना है तो फिर बिमल गुरुंग के खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, और अब आज जो है हरी झंडी मिल गई है उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को भी ठुकरा दिया कि उनके जो केसेस हैं वेस्ट बंगाल से बाहर किए जाएं, किसी और राज्य भेजे जाएं, क्योंकि उनके हिसाब से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर जो हैं वेस्ट बंगाल की, उनके खिलाफ हैं। लेकिन इस अर्जी को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी कि बिमल गुरुंग को अब पुलिस अरेस्ट कर सकती है, और उनके खिलाफ केस भी जो हैं अब शुरू हो सकते हैं वेस्ट बंगाल में। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।